तो देखो भाई, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम बैक है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं राइडर वीआर 43। भाई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी टाइम हो रहा है इनके 11:45 और आज दिन है शनिवार। तो भाई मेरा दिल कह रहा है कि भाई शनिवार का दिन है, क्यों ना शनिदेव जी की मंदिर को दर्शन किया जाए भाई। तो भाई अभी हमने सोचा है कि दिल्ली के जो मंदिर में हम जाने की सोच रहे हैं वो है श्री सिद्ध शक्ति पीठ शनिधाम न्यू दिल्ली। यहाँ से हम डेस्टिनेशन इसका दिखाते हैं और कितना किलोमीटर है ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ भाई। भाई यहाँ से 21 किलोमीटर है गुड़गांव से, और भाई यहाँ से हम निकल चुके हैं अभी। अगर आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई सुबह क्यों नहीं निकले और आप घर के अंदर होते हो तो ब्लॉगिंग क्यों नहीं मतलब पूरा, तो भाई उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ। देखो मेरा दिल कहता है भाई कभी भी अपने ब्लॉगिंग में ना भाई फैमिली को मत लाओ। उससे क्या होता है, अगर कोई वीडियो गलती से कुछ आपने बोल दिया उस वीडियो में, अगर उसने लोगों को अच्छा नहीं लगा तो क्या पता अगर जो उस पर गालियाँ आएंगे, तो आप अगर आपकी वीडियो पे मिल रहा है तो आपकी अगर वीडियो में फैमिली है तो फैमिली को भी तो गाली जाएगा। तो भाई इसी चीज़ को देखते हुए भाई हम कभी भी अपनी फैमिली को वीडियो में नहीं लाते हैं, तो ये है भाई। और भाई आगे भी कोशिश रहेगा कभी भी मैं भाई फैमिली को वीडियो में नहीं लाऊंगा, क्योंकि हमारे जो इंस्टाग्राम है भाई उस पर कई सारी वीडियो वायरल होते हैं जिसमें माँ बहन की भी मुझे गाली पड़ जाती है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमें कोई गाली दे, मतलब कि हमारी फैमिली को कोई गाली दे। मुझे दे दे कोई बात नहीं है, मैं तो सुन ही रहा हूँ भाई। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी साथ में मेरी फैमिली भी सुने। तो देखो भाई धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है भाई। गुड़गांव से लगभग 21 किलोमीटर हम क्रॉस कर चुके हैं और भाई शनिदेव मंदिर बस यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है। उससे पहले मैं 100 मीटर पहले रुका हूँ, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे दर्शाया गया है शनि मंदिर की जो डायरेक्शन है किधर की तरफ है। भाई इस टाइम में 43 डिग्री भाई धूप है भाई, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रहा है भाई। मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ मेन चीज़ है वो ये है भाई, क्योंकि इसमें तो जूम हो नहीं सकता है भाई। सामने जो आप ग्रीन कलर का बोर्ड देख रहे हो भाई, इसी पे शनि मंदिर का डायरेक्शन दिया गया है भाई। और ये है ये बगल में भाई A5 करके फार्म हाउस है और उसी के जस्ट बगल में है भाई। तो अभी भाई थोड़ा देर रेस्ट करते हैं जब तक पसीना वसीना सूख जाए, उसके बाद फिर अंदर से दर्शन करते हैं भाई। तो भाई शनिदेव मंदिर हम पहुंच चुके हैं और ये भाई मैं आपको बाहर से थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो ये एंट्री गेट है और यहीं पर बाहर में भाई जूता चप्पल रखने के लिए है। और ये भाई देखो कितना खूबसूरत है भाई एंट्री गेट, यहीं पर हम अपना जूता उतार के रखते हैं भाई। जूता हमने उतार दिया है, अब चलते हैं, पहले हाथ धो लेते हैं क्योंकि भाई हम दूर से आए हैं तो हाथ वगैरह धो के थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा से रहेगा। और यहाँ पे भाई ये नल लगाया गया है, ये देखो। तो भाई अब चलते हैं अंदर। जय शनिदेव। जय शनिदेव। तो भाई घुसने के साथ आप देख सकते हो यहाँ पे शनि महाराज की काफ़ी सारी अलग अलग प्रतिमा दर्शाया गया है, अलग अलग रूप दर्शाए गए हैं और अलग अलग मतलब धारण किए हुए हैं सवारी। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं यहाँ भी है। तो देख सकते हो भाई जय नंदी, ये नंदी जी हैं। तो यहाँ नंदी महाराज हैं और सामने शनिदेव जी हैं, काफी खूबसूरत मंदिर है। यहाँ से देखो भाई मंदिर की खूबसूरती देखो भाई साहब।
सच में भाई भगवान विराजते हैं भाई ऐसी जगह पे। जय शनिदेव जी। मैम प्रसाद लेना पेटीएम हो जाएगा? आगे से मैम प्रसाद लेना है 121 जी मैम। जी मैम। ऊपर भाई पूजा हमने कर लिया है, थाली यहीं पे रख देते हैं क्योंकि यहाँ पे बाकी भी थाली रखा हुआ है, तो हमने अपना भी थाली रख दिया। जो चलते हैं भाई इसी के साथ बाहर। तो देखो भाई दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, फिलहाल घर के निकलने के लिए तैयारी में हैं। और हम आप लोगों को बताना चाहते हैं जैसे कि आप अगर फैमिली के साथ यहाँ आते हो तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आपको शनिदेव की एक एक प्रतिमा को दिखाया गया है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहते हैं यहाँ पर आप प्रसाद पेटीएम फ़ोनपे द्वारा भी खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कैश ही लाना पड़ेगा। तो भाई फैमिली के साथ अगर प्लान कर रहे हो तो बहुत अच्छी जगह मंदिर है,
एक बार जरूर विजिट करना। लोकेशन और आपको एड्रेस यहाँ का आपको कैप्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों ही जगह आपको मिल जाएगा भाई। भूख लग रही थी तो हम पहुँच चुके हैं ढाबा पे। अभी पहले भाई खाना खाएंगे क्योंकि घर से खाना खा के आए नहीं थे भाई। भाई एक प्लेट राजमा चावल कितने? हाफ प्लेट है तुम्हें? भाई नहीं पता मेरे को। 50 तो भाई खा पी के बाहर आ चुके हैं क्योंकि भाई सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया था और भाई हमने एक आम और चाय पी के आए थे तो भाई बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था तो हमने सोचा क्यों ना भाई खाना खाया जाए। अब चलते हैं भाई घर की तरफ। तो भाई फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं भाई। बाहर बहुत ज़्यादा धूप है तो इसलिए हम कहीं रास्ते में रुके भी नहीं, डायरेक्ट घर आते रहे। अगर भाई किसी को जाना है उस मंदिर तो भाई लोकेशन बाकी जानकारी आपको वो कैप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके अपने भाइयों में शेयर कर दो।